एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि प्रभु, मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक नहीं रहे, क्या आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के कपड़ों को देखा, वो सच में पुराने हो गए थे। उन्होंने अपने एक अन्य शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो। फिर एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि जब तुम्हें अब नए वस्त्र मिल गए हैं, तुम्हें आराम तो मिल रहा होगा, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने फिर अपने शिष्य से पूछा कि अब तो तुम्हें नए वस्त्र मिल गए हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु, मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु, मैंने उसे खिड़की की पर्दे की जगह लगा दिया है। गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा, तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? शिष्य ने उत्तर दिया, मैंने उसके चार टुकड़े किए और उसका उपयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में ले रहा हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने पोछे लगाने वाले कपड़े का क्या किया? शिष्य ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरा पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उसमें से निकले धागों की बत्तियाँ तैयार कर ली और उन्हीं से मैं आपके कक्ष में दीपक जलाता हूँ। बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनके शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करते हैं और उनमें समझ भी है कि चीज़ों को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आप अपने ज़िंदगी में देखिए, आज के ज़माने में प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें कैसे चीज़ों को बर्बाद करते हुए रोक सकते हैं। आपको जैसे ही नए कपड़े मिलते हैं, आप पुराने कपड़ों को फेंक देते हो, लेकिन आप ये कभी नहीं देखते कि उस कपड़े को बनाने में कितने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया है। हम सभी मिलकर इन छोटे छोटे प्रयासों से और इन छोटी छोटी चीज़ों को बर्बाद न करके इस पृथ्वी को बचा सकते हैं।